हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात की पृथ्वी तत्व के बारे में। ये जो पांच तत्व हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश, इनमें से पृथ्वी तत्व की प्रधानता हो, उसका शरीर कैसा होता है और उसमें क्या क्या लक्षण है, क्या बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ऐसा आयुर्वेद का मानना हमने समझा। आज बात करेंगे अगला तत्व पृथ्वी के बाद नंबर आता पानी का। पानी तत्व जिसके अंदर प्रधानता है बाकी तत्वों के बजाय, पानी की प्रधानता होती है, वो उसका स्वास्थ्य शिथिल नहीं होता। जिस तरह पानी चलायमान है, जिस बर्तन में डालो उसी रूप में ढल जाता है, इसी तरह जल तत्व प्रधानता वाले व्यक्ति का शरीर भी किसी खास शिथिलता लिए हुए या एक ही तरह का नहीं रहता, बदलता रहता है। और इसके अंदर पानी तत्व की प्रधानता वाले लोगों में, जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे सभी आ गए, खांसी जुकाम बलगम वाली बीमारियां होने का ज़्यादा खतरा रहता है, इसलिए उनको बलगम वाली चीज़ें, खांसी जुकाम वाली चीज़ों से बच के रहना चाहिए। और इसमें तिलकटु जैसे सौंठ, पीपल, काली मिर्च वगैरह का यूज चाय में डालकर या तुलसी के पत्ते डालकर किसी न किसी रूप में करना चाहिए। बहुत गर्मी हो तो नहीं, लेकिन करना चाहिए सर्दियों में और मौसम बदलने के टाइम, तो इन बीमारियों से बचा रह सकता है। पानी तत्व की प्रधानता वाले व्यक्ति के विचार भी सॉलिड नहीं होते, यानी टिके हुए नहीं होते, वो दूसरे के अनुसार ढल जाता है। जैसी जैसी बातें लोग करते हैं उसी तरह के प्रभाव उसके ऊपर जल्दी पड़ते हैं। तो पानी तत्व वालों के पानी की प्रधानता वाले लोगों को थोड़ा सा सावधानी से चलना चाहिए, खान पान में भी ध्यान रखना चाहिए। अदरक, तुलसी, काली मिर्च, सौंठ, पीपल, इन चीज़ों का यूज ज़्यादा करना चाहिए। और खट्टी चीज़ें, पूरी पकौड़े, खांसी जुकाम वाली चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम वगैरह से बच के रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये हुआ पानी तत्व के प्रधानता वाले व्यक्तियों के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अग्नि तत्व की प्रधानता वाले व्यक्तियों में क्या होता है और उनको किस तरह के लक्षण होते हैं और उनको कैसे बच के रहना चाहिए ताकि उनका जीवन स्मूथली चल सके। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरा आने वाला वीडियो और उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू।